श्री कृष्णा, स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पर। जब लगी हो बहुत तेज भूख और समझ में नहीं आया हम क्या बनाएं क्या करें, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है बनाने के लिए, ऐसे में अगर घर में रखी हो आपकी कल की बची हुई सब्जी और साथ में हो ब्रेड, तो फिर किस चीज़ की तैयारी है, हो जाइए तैयार। ये हमारे पास कल की बची हुई सब्जी गोभी आलू की, और ये हमारे पास ब्रेड। ये गोभी आलू की सब्जी को हमने मिला लिया है, आलू को बारीक कर लिया है और पूरी सब्जी को एक साथ मिला लिया है। ये ले लिए हमने अपनी ब्रेड और इसके ऊपर हमने लगा दी है ये गोभी आलू की सब्जी। झटपट तैयार होने वाला ब्रेड सैंडविच बची हुई सब्जी से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको कुछ बनाना नहीं आता और भूख लगी हो क्या करें समझ नहीं आता, तो उस टाइम पे हम ऐसे बना के खा सकते हैं। सैंडविच का सैंडविच हो जाता है और पेट पूजा हो जाती है। अब इसके ऊपर हमने ब्रेड को रख दिया है। अब हम अपने ब्रेड को सीकने के लिए रख दे रहे हैं, कम से कम 5 मिनट में बस अपना खाने के लिए ब्रेड सैंडविच तैयार है। हमारा शुरू हो गया है, अब बस 5 मिनट बाद तैयार है हमारा ब्रेड सैंडविच। ये अभी हमारे सिक रहा है, देखिए हमारी रेड पट्टी जल गई है और भीम बंद हो गए, इसका मतलब हमारा सैंडविच सिक के तैयार है। अब हम चलिए इसे बंद करते हैं और खोलते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्रेड सैंडविच तैयार है, बची हुई सब्जी का गोभी आलू की सब्जी है, इसके ऊपर हमने हरी चटनी लगा ली है। टमाटर सॉस भी लगा ली है। और आप चाहें तो इसे सादा भी अलग से भी खा सकते हैं। ये लीजिए हमारा ब्रेड सैंडविच तैयार है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।